नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और हमारे सीपीएल 2020 के मैच नंबर 19 के प्रेडिक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। बारबाडोस और सेंट लुसिया आज की टीम में, आज के हमारे गेम प्ले के जो प्लेयर्स हैं आज की दोनों टीमों के आपके सामने इस वक्त। टॉस का वक्त, यहाँ पर सेंट लुसिया चुक्स का कॉल है और देखना होगा कि यहाँ पे कौन जीतता है। लुसिया जीती है टॉस और मैं चाहूँगा कि मुझे बैटिंग दे, खुद बॉलिंग ले, मुझे बैटिंग दे। मज़ा आ रहा है डिफेंड करने में पिछले कुछ मैचों से। बहुत बढ़िया। नहीं, रनचेज हो रहा है हमारा, उल्टा पड़ गया है हमारी सोच से। मैच का हो रहा है आगाज, वीडियो की हो रही है शुरुआत, गेम प्ले का हो रहा है यहाँ पे प्रारंभ। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पे तो यार प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। अगर पसंद आती है, कोई सजेशन है, कोई कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। आ गई बॉलिंग टीम अपना परफॉर्मेंस देने के लिए बल्लेबाज, जो शुरुआत करेंगे आज के मैच की। टारगेट हमारे लिए होगा कि हम इनको 180 के अंदर रोके, 160 के आसपास रोके तो और बेहतरीन, और अपोनेंट चाहेंगे 180 प्लस जाना। होल्डर पहली गेंद और यकीन नहीं हो रहा, मैंने कहा था कि मैं, अरे कैच ड्रॉप, आज रिपीट ही नहीं किया मैंने कि मेरी इच्छा है पहली गेंद पे आउट करने की। बहुत वक्त हो गया है हमारा कि हम पहली ही गेंद पे विकेट लें, आज मौका था, एक्साइटमेंट में थोड़ा लाइटली ले लिया। जिस तरह से पहली गेंद पे कैच उछला था, उम्मीद भी मुझे ऐसी थी। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कहलाएगा 15 ओवर में, 92 एटलीस्ट 120 मिनिमम एवरेज रहता है यहाँ पे, तो 92 ऊपर से 4 विकेट। अभी अभी आए आंद्रे फ्लेचर, स्कॉट कुकलेजिन खेल रहे हैं अच्छा गेंदबाजी, रिजल्ट आपके सामने। शुरू करते हैं गेम प्ले फटाफट। एक चीज और अभी तक नहीं हुई कि ऑल आउट हमको करना है, खासकर जब 4-5 विकेट गिरी हो तो। एज लगी है पहली गेंद पे, मायर्स नहीं, ये थोड़ा सा स्लॉट में आ गई है, कैच हो जाता अगर, अरे रोका है लेकिन हमने रोक लिया यहाँ पे यकीन से, अरे पैर हो गया। लो पहले यहाँ पे कैच वो निकला और मैंने उम्मीद तो छोड़ दी थी कैच होने की, एन वक्त पे आया तब तक बटन दब चुकी थी। गेंद हमने पहले रोकी फील्डर ने भाई साहब ने, तो थ्रो देने गए तो वहां पर देख सकते हैं फ्लेचर एक बार फिर स्लोअर गेंद रख रहे हैं हम लोग, फिर से फ्लिक मारा है, इस बार देख के मारा है तो प्लेयर के पास ना जाए। 6 रन और यहाँ पर बैक टू बैक बाउंड्री तो स्टैंडर्ड गेंद के साथ, और इस बार कैरी करना है, कौन है वॉल्स है यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। जब इस तरह के मौके बनते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट होता है, आसान कैच बन गया ये तो। एक समय लगा शायद ड्रॉप होगा, अगर ऊपर से होता, हाइट वाला होता तो शायद ड्रॉप हो जाता। मोहम्मद नबी अगले खिलाड़ी, रशीद खान आए हैं और एक बार फिर गुगली रखा, स्टंप्स ओपन किए लेकिन हिट कर दिया उस गेंद को। तो मौके बनते हैं कई बार जब स्टंप्स ओपन होते हैं, हुए लेग स्पिन के साथ आसान बन जाते हैं शॉट, फील्डर है नहीं मौजूद तो फिर 6 रन। राइडर का एक एक्सपेरिमेंट करते हुए कितना सफल होते हैं, बचे हैं अभी तो। कप्तान चेंजेस करते हुए कुछ, एक बार फिर स्टैंडर्ड गेंद बेहतर रही है अभी तक तो, और इस बार रनिंग कैच है, रनिंग कैच है, आ गए फील्डर लेकिन आसान होगा नहीं जितना लग रहा है, पर कर लिया है यहाँ पर कैच, बहुत सी है क्या नहीं, और हाल फिलहाल मायर को मिल गया विकेट। हिट करने की कोशिश की थी कवर के ऊपर से छक्के की लेकिन फील्डर मौजूद थे, आसान कैच नहीं था, मैं फिर से रिपीट करूंगा ये बात और तारीफ होगी फील्डर की। स्कॉट कुकलेजिन 50 प्लस के स्कोर के बाद आउट। चमार होल्डर आ रहे हैं यहाँ पे, 9 में 15 बनाए 9 मैचों, ऑल आउट करना है तो 4 विकेट लेने होंगे, और स्टंप लगते लगते रह गए, रन आउट का अटेम्प्ट कर रहे हैं। स्लोअर गुड लेंथ इनसाइड एज, फाइन लेग पर चेज का भी मौका मिला लेकिन नहीं रुका, गेंद सही थी, स्पीड चेंज किया था इसलिए वो पहले खेल गए शॉट और इनसाइड एंड लग के स्टंप्स को छोड़ कर गई है 4 के लिए। लास्ट गेंद यॉर्कर और बीट सही है। रशीद खान आखिरी 12 गेंद यहाँ पर बाकी इस इनिंग की, पहला शॉट मिस, रन आउट का अटेम्प्ट, पैर बाहर है। अब डाउट के हिसाब से अगर नॉट आउट दे दें तो कहा नहीं जा सकता, अरे बहुत, ये तो लगता है कैमरा फ्रेम बाय फ्रेम देखना होगा, नहीं, फ्रेम बाय फ्रेम की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बल्लेबाज आउट है। बहुत बढ़िया क्योंकि बहुत बढ़िया गेंदबाजी भी, क्योंकि ऊंचा था गेंद तो बल्लेबाज मिस हुआ है। चमार होल्डर गोल्डन टच पे जा रहे हैं, ओबेड मैकॉय 3 विकेट बाकी यहाँ पर, साइड साइड चेंज करनी थी लेकिन अब हाथ में नहीं है कुछ, रन आउट का फिर से अटेम्प्ट, स्टंपिंग, बल्लेबाज मिस कर रहे हैं लगातार, साइड चेंज करेंगे लेकिन अब लाएंगे गेंद को लेग
ब्रेक की कोशिश, अरे शायद दुगली करनी थी, सरप्राइज करना था, लेकिन बढ़िया सिक्स लगाया है पवेलियन में दर्शकों के बीच। गेंद पहली बार तो मिल गई इनको ऐसी जगह जहां पर सिक्स लग सकता था, फील्डर मौजूद थे नहीं, एलबी का चांस खत्म हो चुका था, लेफ्ट साइड जा रही थी गेंद, और यहां आ रही है अब दुगली फाइनली। नहीं, कवर का हिस्से को टारगेट किया है, फील्डर मौजूद, फील्डिंग हुई है, फायदा उसका उठाया है, कंटिन्यू करेंगे मैच को, दो रन निकाले। लेग ब्रेक अभी कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट में इसलिए नहीं कर रहा, लेकिन एक्सपेरिमेंट करें तो शायद बेहतर होगा, स्लाइडर और टॉप स्पिन में नहीं डाल रहे हैं लेग ब्रेक, और निराश कप्तान, कुछ एक्स्ट्रा रन मिल रहे हैं। गुगली की कोशिश फिर से, इस बार तो पावर भी है, शॉट में गैप में जा रहा है, फील्डर नहीं रोक पाएंगे। लास्ट ओवर मियर्स के नाम, बाउंसर गेंद, स्क्वायर लेग नहीं है, गलत गेंद सिलेक्शन, गलत गेंद, गलत गेंद, जो वी एक आकार होता है पिच का वही खिलानी है हमें, अब ध्यान आया इस चीज़ का। डॉट की पहली गेंद, मीडियम पेस, पेस में चेंज साथ किया है डॉट, पेस में बदलाव करेंगे, मीडियम पेसर है, ज़्यादा नहीं कर सकते लेकिन जो हो सकता है करेंगे, 116 डाला है मीडियम पेस का, तो भी मिल गई थी गेंद, जैसे कि वी साइड में नहीं खेला है, पॉइंट थोड़ा कवर की। पहले इनिंग का आखिरी गेंद, डॉट 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 डॉट, 148 पे रुका है, बहुत आसान टोटल लग रहा है अभी के लिए वक्त तो डिसअपॉइंटिंग बैटिंग मैं कहूँगा ओवरऑल। अब ये पिच, ये मैच में तब मजा आएगा अगर ऑटो प्ले हमारा साथ नहीं देता है, अभी के लिए तो लग रहा है कि आसान मैच होने वाला है यहाँ पर बारबाडोस के लिए। बॉलिंग का हाल भी आपके सामने इस वक्त, तो शुरू करते हैं यहाँ पे चेज हमारा बारबाडोस ट्राइडेंट्स बनते चार्ल्स और होप करेंगे शुरुआत, और देखते हैं कैसा रहता है। चमार होल्डर आ रहे हैं, 9 मैचों में से 2 ही विकेट मिला है हमारे गेम प्ले में, 7.5 का रिक्वायर रन रेट, यॉर्कर सिंगल क्लोज निकाल लिया है रन, जिस बात का डर था हमको नहीं, लुशिया को जिस बात का डर था वही हुआ है, ऑटो प्ले ने साथ दिया है हमारा, 126 हो चुके हैं, सिर्फ 23 रन बाकी है यहाँ पे, 30 गेंदे हमारे पास बचे हुए हैं। शाही होप यहाँ पे 30 पे, कप्तान होल्डर ने डबल स्पीड से खेला है उनसे, उनके बाद में बैटिंग करने आए फिर भी रनों में उनसे काफी आगे निकल चुके हैं। गेंदबाजी का हाल आपके सामने, शुरू करते हैं चेज, फुल ऑन अटैक ही खेलने वाला हूँ मैं, बाद में सोचेंगे क्या होगा, 3-4 विकेट तो रिस्क लूंगा ही लूंगा, पहला रिस्क भारी पड़ता हुआ, होप की होप खत्म, गए पवेलियन यहाँ पे, सेलिब्रेशन स्टार्ट, लुचिया के मैं पवेलियन में डगआउट में, आइडिया सिंपल सा था, मिड ऑफ है स्ट्रेट से मारना था छक्का, लेकिन टाइमिंग शायद पहली गेंद को पढ़ नहीं पाए थे हम लोग, बड़ा शॉट खेलना गलत डिसीजन होता है हर बार नहीं ऑलमोस्ट, शॉट मिस, विकेट गॉन, साइन ऑफ 30 बना के आउट। कॉरी एंडरसन आ रहे हैं, तैयार हूँ मैं बड़े शॉट के, लेफ्ट हैंडेड भी है ऊपर से, होल्डर इस वक्त 50 पे पहुंच रहे, पहला रन आ रहा है वो भी बहुत रिस्की, बेचारे कॉरी एंडरसन को फंसा दिया था स्ट्राइकर एंड, चांस के करीब है, डेफिनेटली मैं चाहूंगा करें, राइट आर्म बॉलर राउंड द ओवर द विकेट आ रहे हैं ऊपर से लेफ्टी के सामने, हाल फिलहाल एज लगी है हमारी, शॉर्ट कवर पे गया गेंद, फील्डिंग बहुत जबरदस्त, चौका लगाना बहुत बड़ी पहेली होगा, हाल फिलहाल हम लोग मिस भी हो रहे हैं शॉट, मतलब इतनी बैटिंग पिच है नहीं जितना लग रही थी, हम पिछली गेंद पे मिस हुए थे, इस बार भी मिस हुए हैं, अरे पूरा गेंद हमने अग्रेशन दिखाया है लेकिन शॉट पूरी ओवर में नहीं लगे, कहना पड़ेगा पूरी ओवर 2 ले रहा हूं मैं स्ट्राइक, हाल फिलहाल रोटेट होगा, ओवर समाप्ति है इसलिए, क्या सैमी के साथ भी सेम हालात होंगे, अरे नीचे रही हुई गेंद, ऊपर से आउट स्विंग होता सैम, ब्री एंडरसन शॉट 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 शॉट, इतना ऊंचा गेंद उसके तक जाना उम्मीद ही नहीं थी बाउंसर की, पहली बार बेहतरीन खेला है शॉट, पूरा हेलमेट के ऊपर हुक शॉट, परफेक्ट शॉट यहां पे एंडरसन के बल्ले से, पहला बड़ा रन भी लगा है चौका हमारे पर, इनिंग का शॉट लगा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है लेकिन कुछ फायदा नहीं, एक तो पहली बात ऑफ साइड गेंदे कर रहे हैं, जबरदस्ती उसको लेग साइड खेल रहे हैं तो गलत शॉट तो लगेंगे, सैमी की गेंद और फ्लिक करने की कोशिश, स्क्वायर का हिस्सा जो था वहां पर कैरी करने के लिए तैयार थे फील्डर, गलती कोई नहीं कोरी एंडरसन को, पवेलियन मैच में तो आगे है बारबाडोस लेकिन फाइट बैक दे रहा है लुशिया, 50 से 1 दूर, नहीं लेग बाय, अपील तो बहुत बड़ी वाली की है लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा, बाउंस से आ रही है गेंद, विकेट मिसिंग है, इंपैक्ट भी हो सकता है ऑफसाइड, नॉट आउट, फिर एक बार फिर 50 का अटेम्प्ट, नहीं, ओ फिर ले लेंगे क्या, नहीं बचे हैं अभी तो, जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं 30 में 40 भी होता तो हालत खराब होती है, हाँ वो हिट किया है फाइनली, अब वो भी रुका है 50 पार तो किए हैं, लेकिन एक चीज मानना पड़ूंगा लुशिया बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है,
50 पूरे कप्तान के, इनका जो स्ट्राइक रेट है ये इसने भी गेम दो ओवर में खत्म करने की उम्मीद से आए थे। हाल ये है कि हमारे दो प्लेयर जा चुके हैं पवेलियन, अब 10 रन बाकी हैं। अभी पहली गेंद पर भी मिस किया शॉट, बड़ा शॉट के लिए तैयार, पिछली बार मिस किया था, इस बार भी मिस किया, सारे शॉट मिस ही तो हो रहे हैं यार। दो रन ले रहे, गेंदबाज को आना पड़ा, रन आउट का चांस, ओवर थ्रो का चांस, नहीं दोनों में नाना। 34 गेंदे 53 रन और ये हिट, लेकिन पिछली बार रोक लिया था इसलिए मुझे डाउट। ओ कैच बन रहा था, ये 3 ले रहा हूँ मैं, अरे यकीन से परे कैच बन रहा था, मैं चौका जाएगा नहीं वो सोचा ना। यहाँ पर होल्डर का किस्मत तो भाई बहुत जबरदस्त चमक रहा है यहाँ पर। पहली बात तो आज एक भी शॉट लग नहीं रहे होल्डर से, अग्रेशन की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड शॉट लग जाएंगे, ऊपर से जो लग रहे हैं वो चार जा नहीं रहे। यहाँ पर कैच आ गया था पर छूट गया। यहाँ मैच फिनिश की बात आई है, नहीं स्विंग रन ले लेना था, ले लेना था, निकल जाता। फील्डर्स अंदर है सामने से, ओ इन स्विंग गेंद, होल्डर चमारा, होल्डर छा गए अभी के लिए, जिस तरह से स्टंप्स उड़ा है फील्डर की आंखें चौड़ी रह गई, मिडल ही उड़ा है यहाँ पे। अरे बाप रे भाई, नर्स यहाँ पर मरीज बन गए यहाँ पर। रशीद खान सोचा नहीं होगा, पैड पहन के आना भी पड़ेगा। गेंदबाजी टॉप की है यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं, क्या पेस रखा है, 145.2 की स्पीड, और जिस तरह से निकली है बैक फुट का अटेम्प्ट तक नहीं कर पाए हम लोग। अब मैं चैलेंज कर रहा हूँ डिसीजन को, मुझे कुछ सुनाई दिया नहीं है यहाँ पे, शायद बोल रहा था इसलिए आउट दिया एम्पायर ने, मैंने स्किप कर दिया गलती से। रशीद गोल्डन डक, जब रशीद को नहीं पता था आना है तो रहमान को कहाँ से पता होगा, ये भी आ रहे हैं अभी बैक। तैयार हम लोग बड़े शॉट के लिए, अरे नो बॉल है क्या, नहीं, अरे भाई सैमी ने किया यहाँ पे, देख सकते सीम पे देखिए गेंद की, ओ सीधी के बदले गई है इन स्विंग, और ऑफ साइड पर कवर से खेलने जा रहा चाह रहे थे, चौका छक्का मिस किया, और होल्डर भी पवेलियन, 7 विकेट गिर गए यहाँ पे। सेंटनर तो मेरे ख्याल से सो गए होंगे, पर अब आना पड़ा इनको भी बैटिंग में, क्या करना, खेलना तो बड़े शॉट ही है। एंगल बहुत जबरदस्त, क्या करेंगे ये सवाल होगा, आप साफ कर रहे हैं थोड़ी बहुत पिच, थोड़ा कंफ्यूजन ये भी है कि ऑफसाइड लेग साइड दोनों डाल रहे हैं, मारा तो बहुत कस के है, और ये भी कैच, अरे रे दो दो कैच ड्रॉप किए, अगर वो कैच किए होते तब क्या हालत होती यहाँ पे। 3 रन निकाल लिया, अभी एक की दूरी रह गई, मतलब बराबरी पे आ गए, इसको खुद सरप्राइज है कि बच कैसे गई है। राइफर भी लेफ्टी, सेंटनर भी लेफ्टी, कर दिया फिनिश मैच को 6 के साथ, ये पहले लग जाता था बेहतर होता, बहुत पीछे गया मैच, बहुत विकेट गंवाए हमने, रूशिया को जाएगा फ्राइडे के लिए, जिस तरह से फील्डिंग, जिस तरह से पिच का यूज किया है, काबिल तारीफ परफॉर्मेंस। विनर एक ही बनता है, कुछ गलतियां की हैं आपने, हार एक्सेप्ट करनी होगी रूशिया को, बार बार डॉस जीतता हुआ प्रेडिक्शन वीडियो में, और यह है हाल मैच का, बार बार डॉस बना है विनर, देखते हैं रियल लाइफ में से कितना मिलता जुलता होता है ये। काइल मायर्स को मिला है मैंने तो मैच, 2 विकेट निकाले यहाँ पर, और बैटिंग में भी लाजवाब परफॉर्मेंस दिया है। अभी के लिए मैं ले रहा हूँ विदा, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल पर देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।